करा? डेढ़ बरस वाचमैन ही किया है, काम में कोई शर्म नहीं, काम काम होता है। हाँ, हम तो अमिताभ बच्चन बंगले में से खड़े रहते रहे, वाचमैन रहे, हमारा ड्यूटी रहा, बाहर के आदमी को अंदर जाना है और अंदर वाले को बाहर निकलने देना। तो एक दिन रात का डेढ़ बजे हम ससुर भांग की गोली खा रहे हैं, बच्चन जी अंदर जा लेके हमको रोक लिया, हमको कहाँ जा रहा, किससे मिलना है, कहाँ किससे मिलना। बोला अमिताभ बच्चन हमका ऐसा दिन भर बोलता रहता आदमी, हो बैठो बैठो, रात भर बच्चन जो है झाड़ के नीचे बैठे रहे। सुबह जय भौजी झाड़ू मारत मारत खिड़की से देखे, कहे ये तो हमारा मर्द लगता है। आई बच्चन जी को अंदर ले गए, नहलाए धुलाए, हमें बुला के दो लाफा मारे, हमारा 2 महीने पगार रोका है, हमें निकाल दी। सोच रहा बड़ा आदमी जो हमारा पगार रोक लेता गरीब का, समझ में नहीं, मगर हमका काम का कोनो कमी नहीं रहा भैया। हमको बाद में जो फिर ये बुला लिए रहे राजकुमार, राजकुमार जो हीरो है पुराने, मगर उनके ससुराल एक बहुत परेशानी है, उनके घर का पूरा स्टाफ पूरा कर्मचारी उन्हीं की तरह बोलता है, उनका वॉचमैन धोबी रसोईया माली हम ये हैं, हम हम हम। ससुराल 1.5 साल में हमने नाक में दम कर दिया, कुत्तक शौकीन है राजकुमार, कुत्तक शौकीन, गधक बराबर कुत्ता पाले हैं, ऊंचे ऊंचे उनका कुत्तक शौकीन है, तो कुत्तक उनके हम नहलाते रहे बाथरूम में से नहलाते रहे, तब एक कुत्ता के मुंह से आवाज आई हमें ठीक से नहलाओ, हम जाने के कुत्ते हैं, हम काट लेंगे। तो पहले हम देखे हमका ये आवाज कहाँ से आ रहा है, फिर हम ध्यान से देखे हमका ससुर कुकुर बोल रहे हैं, दीवार कूद के हम भागा, हम 3 महीने पगार छोड़ा, हमको नहीं मांगता ऐसा पगार। फिर हुआ से निकले रहे, फिर खैर मलिका के यहाँ काम मिल गया, मलिका का यही काम करा, उनका मालिश करना रहा। एक दिन ससुर 1.5 महीने बाद हमें निकाल दिए, हमें बुलाए कहे कि नहीं तो अपना हिसाब कर लो, हमका कहा है कहे तो नजर ठीक नहीं, अरे हमका ये नजर का ससुर तुम्हें 1.5 महीने बाद मालूम पड़ा, हम ऐसे तो पहले दिन से देख रहे हैं तुम्हें। खैर काम कोनो सर नहीं रहा, अपना काम धाम सब मिलता रहा, लेकिन दोस्त बम्बई में जितेंद्र का बंगला देखने वाला है, अरे पुराने जमाने के हीरो है, मस्त बहारों का आशिक है, शौकीन आदमी है, ऐसा फालतू नहीं तुम्हारी तरह मिश्रा, समझे, बम्बई जाए 4 चीज देखने वाला है, जू चपाटी, गेट ऑफ इंडिया और समझे हरे राम कृष्णा मंदिर, जितेंद्र का बंगला, समझे ऑटोमेटिक होकर जो मतलब बाथरूम देख ले आदमी हिल जाए, ऐसे दरवाजा खोलो अपने आप कपड़ा उतर जाता, अपने आप ऐसा पानी गिरने लगता, अपने आप साबुन का घसाई शुरू हो जाता, अपने आप जितेंद्र कपड़ा पहन लेता, अपने आप शूटिंग पर चला जाता। एक दिन ससुर हमारे जो बसेसर हैं उनका काम करते पहले से, वो कहे कि जाओ है कोई नहीं, जाओ बाथरूम देख लो जाओ, हम ऐसे दरवाजा खोले लप से हमारे कपड़ा उतरे, लप से पानी घसाई शुरू हो गया, साबुन लगना शुरू हो गया, अपने आप हम कपड़ा पहन लिए, अपने आप हम शूटिंग पे चले गए और डायरेक्टर को देखो हमारे साथ दो रील बना लिए। दो रील बनाने के बाद राजकुमार संतोषी कहता है ये तो जितेंद्र नहीं लग रहा, फिर हमारे 2 लाफा मारे, हमें निकाल दिए कि ससुराल पगार रोक लेता है, तो का कौन हीरो से कैसे मिलना हम बता दे, एक एक हीरो हीरोइन का कमजोरी पता, हमरा उनके साथ उठना बैठना रहा, और तो को अगर टी सीरीज में कोई काम हो, मतलब संगीतकार बनना हो, गीतकार बनना हो, टी सीरीज जाना हो, टी सीरीज बंगला के सामने खड़े हो जाओ, समझे, और जोर से चिल्लाओ, प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता, सब मिल बोलो जय माता दी, फिर टी सीरीज का ऑफिस का गेट खुलता है, फिर ऐसे ऐसे धुआं का बवंडर उठता है, और धुआं जैसे खत्म होता है तो गुलशन कुमार का लड़का अनुराधा पुडवाल और किशन कुमार तीनों एक एक टी सीरीज का कैसेट लेकर ऐसा प्रकट होता है। फिर ओके बाद उनसे मिलो, अपना मुलाकात करो, ऑटोग्राफ लो, जो काम हो मतलब करो, और तो का बच्चनवा से मिलना हो गेट के सामने खड़े हो जाओ, उनका बंगला जूप है कोने में, समझे, प्रतीक्षा है, वो खड़े हो जाओ, जोर जोर चिल्ला भैया लोग खतरे में हैं, भैया लोग खतरे में हैं, भैया लोग खतरे में हैं, फिर ऐसा गेट खुलता है।
ऐसे धुआं उड़ता है और पीछे से आवाज आता है, अंधेरी रातों में सुनसान राह में एक मसीहा निकलता है जिसे लोग सहनशाह कहते हैं। डरो मत, डरना नहीं, बस वहीं खड़े रहो, डरना नहीं, डरना नहीं। अंधेरे सहनशाह निकलता है, तो अगर वो फ्री होगा तो अमिताभ जी निकलेंगे, वो नहीं होता तो सहनशाह का ड्रेस पहन के अभिषेक हुआ निकलता है। आम आदमी की तरह मार्केट में नजर आए, खुद ही शॉपिंग करें, लोगों के रिएक्शन क्या होंगे, सेल्समैन कैसे खुश होगा, कैसे शॉक्ड होगा, कैसे सरप्राइज होगा, उसका फेवरेट उसकी दुकान में आ गया अचानक अनिल कपूर। अब अनिल कपूर को टोपी खरीदना है, टोपी लेने के अनिल एक शॉप में आए, दुकान में घुसते कहते हैं अरे मुझे कैप चाहिए। क्या बोला? एकदम छकास। अरे कोई कैप दिखाइए, कोई अच्छी दिखाइए। अरे दिखाइए। दिखा रहे बाबा, मुंडी एक जगह रखो, ये देखिए। अरे कोई और, ये देखिए। अरे कोई और, ये देखिए। 400-500 टोपी देखी, एक पसंद आई, ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है? ये फोकट में है, पहन लो निकल लो, दोबारा इधर दोबारा दुकान में दिखना नहीं। क्यों, क्या हुआ? आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जो टोपी पहन के तुम घर से आए थे वही है। शॉपिंग के लिए निकले नाना पाटेकर। अब नाना पाटेकर को शूज लेना है, जूता। जूता लेने के लिए नाना एक बाटा के शोरूम में आए, और बाटा के शोरूम में घुसते ही नाना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इधर चिड़िया, इधर पता नहीं चल रहा, बुला रहे हैं कि भेज रहे हैं, इधर सारे सेल्समैन, ए नाना पाटेकर, ए पकिया नाना पाटेकर, अपनी दुकान में सेम सेम साहब, जैसे पिक्चर में दिखते हैं ना, सेम दिख रहे, सेम टू सेम ऐसे दिखते हैं पिक्चर में। क्या मांगते साहब, क्या मांगते हैं? काई के दुकान है तेरा, काई का दुकान है साहब, जूते का। फिर काई को पूछा, बोल काई को पूछा, मराठा मन मस्करी करता, काई को पूछा, बोल बोल साहब, गलती हो गया, जूता देखो, जूता देखो, शूज देखे, पसंद आए, पसंद आने के बाद बोले अच्छा है, डब्बे में डाल के दे, पैसा कल देगा, मेरी आंख में सच्चाई देख। दिया है, बिना पेमेंट किए निकल गए। मालिक ने नौकर बोला तेरा बाप था वो, कल को नहीं आया तो मैं तुम्हारे पगार से काटूंगा। नहीं साहब आएगा, वो नाना, मैं उसका दादा हूँ, ऐसा ऐसे करके मेरे को डरा रहा था। मैंने एक जूता, मैंने 7 नंबर, दूसरा 9 नंबर। शाहरुख खान, शाहरुख को एक्चुअली खरीदना कुछ नहीं है। शाहरुख घर में बोर हो रहे थे, शूटिंग कैंसिल थी, तो वो खिंचाई करने निकले हैं फल फ्रूट वालों की, फल वालों की खिंचाई करने निकले हैं, टाइम पास करने निकले। वो समझते हैं फल वाले सारे बेवकूफ होते हैं, तो फल वाले का ठेला है, शाहरुख वहां आते हैं, हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे, कर लो पहले। ए भैया का चाहिए, का चाहिए? अरे हाँ, अच्छा बकरी। ये साहब बकरी के नहीं, तो मतलब फल फ्रूट का दुकान, बकरी के नहीं फल फ्रूट का है। अब शाहरुख खान आम देख के जानबूझ के कहते हैं छेड़ने के लिए, ये क्या है? ये सब आम है, दशहरी आम है, बहुत मीठा है, लीजिए। अरे आम नहीं तो अमिया है, आम तो एक एक इतना बड़ा होता है हमारे दिल्ली में, दिल्ली में एक आम इतना बड़ा। बोला अच्छा, अब पूछो। अब शाहरुख ने कलिंगड़ देखा, तरबूज, कलिंगड़ देख के बोले ये क्या? ये सब अंगूर है, अंगूर है, अभी अभी मतलब पका नहीं है, पकेगा तो एक अंगूर एक टेम्पो में जाता है।